अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका अब तक का सबसे बेंटन का फेवरेट गेम कौन सा है, तो आपके मन में सबसे पहले बेंटन अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का ही नाम आएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज का गेम है, दूसरी बात इसके ग्राफिक काफी सही थे, तीसरी बात इसकी स्टोरी काफी ज्यादा मस्त है, और इसकी स्टोरी जिसके इर्द गिर्द घूमती है उसका नाम है पोटेस अल्टायर। इस पूरे गेम में बैन पोटेस अल्टायर के ही टुकड़ों को जोड़ने में लगा रहता है इविल वेविक को हराने के लिए, और वो एंड में पोटेस अल्टायर के टुकड़ों को जोड़ के इविल वेविक को वेविक की मदद से हरा भी देता है, लेकिन बाद में जाके पोटेस अल्टायर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्यों हुआ था डिस्ट्रॉय पोटेस अल्टायर, और अगर क्या होता अगर पोटेस अल्टायर डिस्ट्रॉय ना होता। तो देखो, पोटेस अल्टायर की ओरिजिन तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही काफी सारी वीडियोस में इसकी ओरिजिन बता दी है। डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं, तो देखो, पोटेस अल्टायर को अजमत के पूर्वजों ने बनाया था, इसीलिए ये काफी ज्यादा पुराना डिवाइस था। अब ये कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं था कि ये बहुत ज्यादा पुराना था इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि बेन 10 ने आराम से इसको यूज कर लिया था। अगर ये पुराना होने की वजह से डिस्ट्रॉय होता तो जब बेन 10 इसके टुकड़ों को कलेक्ट कर रहा था तभी ये डिस्ट्रॉय हो जाते, यूज करने के बाद क्यों डिस्ट्रॉय हुआ। तो देखो, इसके पीछे का रियल रीजन ये है क्योंकि इस गेम में इविल वेविक काफी ज्यादा पावरफुल था, और बेन 10 के वेविक ने पूरी पावर लगा दी थी तब भी इविल वेविक उस पे डिफीट नहीं हो रहा था, लेकिन इस गेम में पोटेस अल्टायर ने अपनी पूरी पावर लगा दी इविल वेविक को हराने के लिए, इसीलिए इविल वेविक हार गया था, क्योंकि पोटेस अल्टायर में जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी यूज हो गई थी, इसीलिए पोटेस अल्टायर डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि अजमत के पूर्वजों ने इसे इसी तरह से डिजाइन किया था कि पोटेस अल्टायर की एक बार पूरी पावर यूज होने के बाद पोटेस अल्टायर खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पोटेस अल्टायर डिस्ट्रॉय ना होता तो बेन 10 की सीरीज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता। तो बेन 10 की सीरीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का जो गेम है वो एक नॉन कैनन गेम है, यानी कि बेन 10 की स्टोरी के साथ इस गेम का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसी वजह से अगर पोटेस अल्टायर डिस्ट्रॉय भी ना होता तब भी बेन 10 की सीरीज पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और बेन 10 की स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं आते, और हमें कभी भी बेन 10 की सीरीज में पोटेस अल्टायर के बारे में एक बार भी जिक्र देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस गेम के लिए ही ऐसा डिवाइस बनाया गया था। और बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज में अजमत के पूर्वजों ने कभी पोटेस अल्टायर बनाया ही नहीं था। अब कुछ बेन 10 फैन मेरे से ये भी सवाल करेंगे कि क्या होता अगर हमें ओरिजिनल स्टोरी लाइन में पोटेस अल्टायर देखने को मिलता। तो देखो, अगर ओरिजिनल स्टोरी लाइन में हमें पोटेस अल्टायर देखने को मिलता तो ये काफी बड़ा डिवाइस होता, और ये बेन 10 के हाथ में देखने में तो कूल लगता, लेकिन ये काफी अजीब भी लगता, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइस बेन 10 अपने हाथ में पहन के रखता तो बड़ा इरिटेटिंग फील होता है। और अभी तक बेन 10 ने जितनी भी वॉचेस पहनी हैं उनमें सबसे बड़ी वॉच है अल्टीमेट रिक्स, और दूसरे नंबर की है क्लासिक वाली, और तीसरे नंबर की है ओमनीवर्स वाली। तो आप ही बताओ, अजमत बेन 10 को इतना बड़ा डिवाइस पहनने देते, और बेन 10 भी इस डिवाइस को पहनता क्या? क्योंकि बेन 10 को अल्टीमेट रिक्स पसंद नहीं थी, कोई भी रीजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं साइज भी मैटर करता है। और पोटेस अल्टायर इतने काम की भी चीज नहीं है अल्टीमेट रिक्स की तरह की अल्टीमेट एलियन दे दे, वो बस पावर को थोड़ी एनहांस कर देता है। तो बेन 10 की स्टोरी लाइन में तो कभी नहीं देखने को मिलता, और अगर देखने को भी मिलता तो कभी ना कभी बेन 10 परेशान हो जाता। तो ह्यूमन माइंड यही है कि बड़ी चीजों से कभी ना कभी ह्यूमन माइंड बोर हो जाता है, और छोटी चीजों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पाता है। तो हाँ, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और अपना टॉपिक नीचे कमेंट में बता देना अगर आप लोग कोई टॉपिक देना चाहते हो तो।